हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल जो SSC द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है और यह सेंट्रल जॉब है और इसका ऑडिशन आउट हो चुका है और कितनी वैकेंसी आई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस एज वाले इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपका सिलेबस क्या है, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सब के बारे में ये वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल न्यू वैकेंसी 2022 जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है ये, और आप सभी जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो वो सब इस जॉब को अप्लाई करना, भले आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जिस भी राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, जिससे हर एक कैंडिडेट को, मेल और फीमेल को, सबको फ़ायदा मिले। और यह एक वर्दी के लिए जॉब, वर्दी वालों के लिए, जो वर्दी के लिए जुनून है जिनको और हेड कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसमें टोटल पोस्ट हैं 835 पोस्ट हैं मेल और फीमेल के लिए, 276 तो फीमेल के लिए है और बाकी जितनी वैकेंसी है वो मेल के लिए हैं। अप्लाई डेट है आपकी 17 मई 2022 से लगाकर 16 जून 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यह बात है कि आप जल्दी अप्लाई कर लेना 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर, फिर SSC की साइड स्लो चलने लगती हैं, उसके वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम फॉर्म को नहीं भर सकते। SSC के बहुत सारे ने CGL का फॉर्म नहीं भर पाए थे, बहुत सारे CHSL का फॉर्म नहीं भर पाए थे। SSC लास्ट में अपनी सर्वर को डाउन कर देता है बिल्कुल फॉर्म फिलअप करने का, तो आप जल्दी हो सके इस फॉर्म को कल से मॉर्निंग से भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फीस कितनी है इसकी, जनरल OBC EWS की 100 रुपये फीस है, ओनली फॉर 100 रुपये आपकी फीस है। और पोर्टल चार्ज जो जिससे आप फॉर्म भराओगे साइबर कैफे से, वो अलग चार्ज ले लेगा, 50-60 या 70 रुपये आपसे चार्ज ले लेगा, ठीक है। और ST SC फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है, SC ST मेल और फीमेल बॉयज के लिए बिल्कुल ये एग्ज़ाम फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अब बात आती है आगे एज, किस एज वाले कैंडिडेट मेल और फीमेल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो मेल और फीमेल हैं, महिला और पुरुष हैं। अब इसमें रिलेशन आयु में छूट मिलती है, किस एज वालों को छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल के लिए छूट मिलेगी, ST और ST वालों को 5 साल के लिए छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। PWD जो हैंडीकैप है 10 साल के लिए, PWD OBC 13 साल के लिए, PWD ST SC को 15 साल के लिए छूट दी जाएगी। अब एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन 10+2 12th पार्ट जो इंटरमीडिएट है, 10+2 12वीं पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो इस साल पास हो चुके हैं MP बोर्ड से वो भी भर सकते हैं, पर उनकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए उनके पास, 30 वर्ड पर मिनट में आपका इंग्लिश टाइपिंग आपको कंप्लीट करना जरूरी रहेगा। फिर हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना रहेगा। आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा यह September 2022 में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल बहुत अच्छी जॉब है, आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग काट दिया जाएगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 90 मिनट का समय रहेगा और 100 नंबर ही रहेंगे आपके। पे मैट्रिक्स हैं, पे लेवल हैं, ग्रेड पे 4 की है और 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और जब तक आप रिटायरमेंट होगे तो 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, 4 चरणों में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला चरण है आपके लिए CBDT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 100 मार्क्स का रहेगा आपका। फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस और जो मेजरमेंट टेस्ट है क्वालिफाई रहेगा आपका, जो भी आपका चेस्ट वगैरह नापा जाएगा वो वाला, ठीक है, क्वालिफाई बस। टाइपिंग टेस्ट है 25 मार्क्स आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट का, जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट का। और कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई रहेगा, है ना। अब किस सब्जेक्ट से और किस पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे और किस पोर्शन के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे,
जनरल अवेयरनेस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट एक रहेगा और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का आपका यह मार्क्स रहेगा इसका। पार्ट नंबर टू क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल है और 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स आपके इसमें दिए जाएंगे। जनरल इंटरेस्ट जो आपका रीजनिंग वगैरह रहेगा, 25 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी आपकी और 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश है आपकी 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी और 25 नंबर भी आपको इसको दिए जाएंगे आपके, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल, एम एक्स वर्ड और एम एक्स एक्सेल और पावर पॉइंट और ETC एक्सेट्रा, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपका इसमें मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं फिजिकल, मेल और फीमेल के कैंडिडेट में फिजिकल किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अब फिजिकल की बात करते हैं मेल और फीमेल में, तो रनिंग ये आपकी 1600 मीटर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी एक समान है, 1600 मीटर आपकी रनिंग रहेगी और इसमें आपको फीमेल के लिए 800 मीटर रहेगी, बॉयज़ के लिए 1600 मीटर रनिंग है और 7 मिनट के आपको अंतराल में करना है और फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है और 5 मिनट के अंतराल में आपको करना है। फिजिकल अगला इवेंट आपका रहेगा लॉन्ग जंप, मेल पुरुष को करना रहेगा, 12.5 फीट आपको कूदना रहेगा और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप महिला की रहेगी। हाई जंप पुरुष में 3.5 फीट रहेगा, 3.5 फीट हाई जंप आपको करना है, उछाल मारना है 3.5 फीट और वुमेन कैंडिडेट के, महिला कैंडिडेट के 2.5 फीट रहेगी और आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए रहेगी 157 सेंटीमीटर और कुछ छूट दी जाएगी उसमें। ठीक है, और एज की बात कर लेते हैं, किस एज वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज वाले मैंने एज यहां पर आपकी एज होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 1997 से लगाकर और 1-1-2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1997 से लगाकर 2 जनवरी 1997 से लगाकर 2004 तक आपका, 1 जनवरी 2004 तक आपका ये एज होनी चाहिए इसके बीच में। और इसके एज वाले बच्चे इस फॉर्म भर सकते हैं 18 से 25 साल वाले, और एज का देख लेना, 3 साल तो OBC तो 94 डेट ऑफ बर्थ OBC और 5 साल तो कितना 92 वाले STC वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और PWD इसमें देख लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको वर्दी चाहिए, जुनून लाइए और अच्छे से आप मेहनत करिए और रीडिंग एबिलिटी और फिजिकल साथ के साथ करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के साथ में फिजिकल बिल्कुल छोड़ दें, आपको वर्दी पहनना है। भले आप कोई सी भी बेल्ट वाली जॉब करना चाहते हो, वर्दी वाली जो खाकी वर्दी के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद आई बेल बटन जरूर दबाइएगा, उससे तुरंत प्रभाव से जो भी वीडियो अपलोड होता है आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच पर, तो तुरंत प्रभाव से आपके पास आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।